अभूतपूर्व हिमालय के धौलाधार पर्वत श्रृंखला के आवास में स्थित है बैद्यनाथ मंदिर। ये एक अद्भुत दिव्य स्थान है जिसकी महिमा अभूतपूर्व है। बैद्यनाथ मंदिर ये महादेव शिव जी के वैद्यनाथ स्वरूप का संबोधित है। वैद्यनाथ अर्थात वैद्यों के नाथ अथवा लॉर्ड ऑफ फिजिशियंस। सर्व भक्तगण यहाँ स्वयं एवं अपने परिजनों के स्वास्थ्य कामना प्रति भेंट देते हैं। इस मंदिर की इतिहास श्रृंखला अस्पष्ट एवं खंडित है। भूतकाल में इस क्षेत्र में असंख्य भूकंपों का वर्णन है जिस कारण यहाँ के अनगिनत मंदिरों का नाश हुआ। इस मंदिर के आवास में दो बृहद शिलालेख है जो स्थान के इतिहास पर प्रकाश डालते हैं। यह लेख पहाड़ी भाषा में है जिनकी लिपि शारदा एवं तकरी है। शारदा लिपि यह उत्तर पश्चिम भारत में ब्राह्मी लिपि से निर्माण हुई थी अनुमानतः 9वीं शताब्दी में। शारदा लिपि प्रायः संस्कृत एवं कश्मीरी भाषा का अनुमोदन करती है। इस लिपि से गुरुमुखी लिपि का निर्माण हुआ। शिलालेख के अनुसार बैद्यनाथ मंदिर की स्थापना 1204 में हुई, किंतु कुछ विशेषज्ञ इसकी स्थापना 9वीं शताब्दी की मानते हैं। इसकी स्थापना में कार्यरत थे दो अत्यंत धनिक व्यापारी अहुक एवं मन्युक, जो शिवजी के परम भक्त थे। 1786 में इस मंदिर का पुनः नूतनीकरण हुआ, जो कांगड़ा के कटोच वंशीय राजा संसारचंद जी ने किया। इस मंदिर के नूतनीकरण की पूर्ति सर अलेक्जेंडर कनिंगहैम ने की है, जिन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। मंदिर के काष्ठ द्वार पर संवत 1840 अंकित है, जो कनिंगहैम के 1783 के समीप है। 1905 में इस क्षेत्र में जो भूकंप हुआ उस कारण बैद्यनाथ मंदिर को कुछ आंशिक क्षति हुई थी। इस घटना का अंकीकरण जे वोगल नामक एक डच एपिग्राफिस्ट ने किया है, जो ASI में उस समय कार्यरत थे। इस क्षति का नूतनीकरण शीघ्र किया गया था। बैद्यनाथ क्षेत्र को पूर्व काल में किराग्राम कहा जाता था। किराग्राम से हमें किराट ट्राइब का अनुमोदन होता है, जो इस क्षेत्र में निवास करते थे। किरात राजा राणा लक्ष्मण चंद्र का उल्लेख हमें इस मंदिर मंडप की दो भिंती पर दृष्ट होता है। इस अतिरिक्त हमें इस मंदिर के वास्तुकार नायक एवं थुड़ुक एवं शिल्पकार सोमू का उल्लेख भी प्राप्त होता है। मंदिर यह नगर पद्धति से रचित है, जो अपने आप में एक अद्भुत कलाकृति है। इस पद्धति में शिखर की रचना विशेष होती है। 80 फीट दीर्घ यह शिखर अत्यंत अद्भुत शिल्पाकृति से आभूषित है। कहीं विशेषज्ञ इन शिल्प आकृतियों को पुष्प रचना मानते हैं एवं कहीं इन्हें एक गुप्त लिपि। गर्भगृह में स्वयंभू शिव जी लिंग स्वरूप विराजमान है। यह दैविक लिंग पंच प्रपंचिक है, अथवा इनमें से 5 शिखाएं विस्तीर्ण स्वरूप दृष्ट होती है, जिन्हें इस मंदिर का शिखर आवृत करता है। भगवान सूर्य, भगवान कार्तिकेय एवं देवी माँ चामुंडा की आकृति गर्भगृह के अंत भिंति पर जड़ित है। मंडप द्वार पर गंगा एवं यमुना माता की आकृतियां हैं। मंदिर के अंत भिंति पर विविध अलौकिक देवी देवताओं के शिल्प अंकित है। मंदिर के मुख्य द्वार पर गणेश जी एवं हनुमान जी की शिल्प आकृतियां दृष्ट होती है। मंदिर के बाह्य भिंति विविध श्लोकों से जड़ित है। मंदिर आवास में शिव जी एवं पार्वती जी के विवाह संकेत एक शिल्प आकृति है। इस आवास में दो नंदी जी के शिल्प भी स्थित है। इस अतिरिक्त हमें यहाँ विविध देवी देवताओं को समर्पित अत्यंत आभूषित शिल्प कृतियां दृष्ट होती है। सारांशतः ये संपूर्ण मंदिर की रचना ओडिशी मंदिर शिल्पकृति समान है, जो हिमाचल के भौगोलिकता में अपनी विशेषता दर्शाती है। इस स्वयंभू शिवलिंग की स्थापना एवं इस मंदिर की रचना के ऐतिहासिक प्रमाण त्रेत युग के लंकापति रावण से निगड़ित है। मान्यता है कि लंकापति रावण तीनों लोकों पर अपना राज कायम करने के लिए कैलाश पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने अपने 10 मुखों को हवन में पृथक कर अर्पित किया। भगवान भोलेनाथ रावण की तपस्या से आनंदित हुए एवं उन्होंने प्रकट हो उनके 10 मुखों को पुनः स्थापित कर लंका नरेश को अत्यंत दुर्लभ शक्तियां प्रदान की। इस उपरांत रावण ये इच्छा व्यक्त करते हैं कि वे भोलेनाथ जी को लंका में स्थापित करना चाहते हैं। भोलेनाथ जी प्रसन्न हो त्वरित लिंग स्वरूप धारण कर लेते हैं, परंतु वे रावण को यह भी सूचित करते हैं कि वे यह शिवलिंग उसी भूमि पर स्थापित करें जहां लंका नरेश करना चाहते हैं। अन्यथा यदि रावण मार्ग में किसी भी स्थान पर यह लिंग रख देंगे तो वे पुनः उसे नहीं ले जा पाएंगे। रावण कैलाश से लंका ओर प्रयाण कर पड़े। बैजनाथ धाम के निकट पहुंच उन्हें लघु शंका का बोध हुआ। वहां उपस्थित एक गडरिय को उन्होंने पूज्य शिवलिंग सौंप दिया एवं लघु शंका निवारण करने चले गए। भार अधिक होने के कारण उस गडरिये ने लिंग भूमि पर रख दिया। जब रावण लौटे तो वे उस पूज्य लिंग को पुनः उठा ना पाए। उन्हें मन ही मन शिवजी की महिमा का बोध हुआ। उन्होंने बैद्यनाथ में इस शिवलिंग की विधिवत स्थापना कर मंदिर का निर्माण किया।
इसी कारणवश दशहरे के दिवस जहां संपूर्ण भारतवर्ष में रावण की प्रतिमा का दहन होता है, बैद्यनाथ धाम में दशहरे का उत्सव नहीं मनाया जाता। संकेत स्वरूप इस प्रथा से निवासी रावण प्रति अपना आदर भाव व्यक्त करते हैं, जिनके कारण यहाँ शिव जी का वास स्थापित हुआ। यद्यपि 12 ज्योतिर्लिंगों में समाविष्ट बैद्यनाथ धाम महाराष्ट्र के परली में स्थित बैद्यनाथ मंदिर से अंकित है, परंतु बहुतांश विशेषज्ञ इसी मंदिर का संबोधन बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग से करते हैं। इस मंदिर के भेंट प्रति सर्वोत्तम निकट रेल स्थान पठानकोट है एवं हवाई स्थान धर्मशाला। मंदिर का प्रवेश निःशुल्क है एवं आप इसे प्रातः 6 से संध्या 6 तक सर्व दिवस भेंट दे सकते हैं। आशा करता हूँ इस प्रस्तुति से आपके बैद्यनाथ भेंट प्रति उत्सुकता और जिज्ञासा अवश्य बढ़ेगी।